आगे बढ़ेंगे। खबर अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर है। एक्शन सीबीआई ने तेज कर दिया है। पेपर चोरी करने वाले दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीबीआई ने पंकज और राजू नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पंकज ने नीट का पेपर चुराया था, जो जानकारी मिल रही है। पंकज कुमार पटना से गिरफ्तार हुआ है। राजू ने पेपर आगे देने में मदद की थी, यानी पंकज जिसने पहले पेपर चुराया, फिर राजू जिसने आगे पेपर को सर्कुलेट किया। सीबीआई ने राजू को हजारीबाग से अरेस्ट किया है। आरोपी संजीव मुखिया की तलाश अभी भी चल रही है। अब जब एक के बाद एक ये कड़ियां जुड़ रही हैं, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, माना यह जा रहा है कि संजीव मुखिया अब बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। सीबीआई ने जांच को तेज किया है। पंकज और राजू नाम के दो और आरोपी पकड़े गए हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को एक सिविल इंजीनियर समेत दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पंकज कुमार सिंह उर्फ आदित्य और राजू सिंह हैं। इस मामले में 11 जुलाई को पटना के पास से पकड़े गए आरोपी राकेश रंजन उर्फ रॉकी की तरह सीबीआई ने इनमें से एक पंकज सिंह को भी किंग पिन माना है। मामले में अभी सीबीआई की तरफ से ये साफ नहीं किया जा रहा है कि आखिर पेपर लीक करने का असल मास्टरमाइंड कौन है। पकड़े गए आरोपियों में बोकारो के रहने वाले पंकज कुमार सिंह ने 2017 में एनआईटी जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग की है। आरोप है कि इसी ने हजारीबाग से अपने साथी राजू सिंह के साथ एनटीए के पेपर लाने वाले ट्रंक से पेपर चुराए थे। इसके बाद फिर पेपर लीक किए गए। राजू झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। इस मामले में मसला कई और मामलों में उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई के सूत्रों ने सबसे पहले नीट यूजी पेपर लीक के मास्टरमाइंड के तौर पर हजारीबाग में ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम की तरफ इशारा किया था। इनमें से प्रिंसिपल के ऊपर भी बैंक से नीट पेपर के को सेंटर तक लाने की जिम्मेदारी थी। आरोप यह है कि इन्हीं के बीच रास्ते में पेपर लीक हुए। इसके बाद 11 जुलाई को सीबीआई ने पटना के पास से राकेश रंजन उर्फ रॉकी नाम के एक और शख्स को पकड़ा था। बिहार से राजू और पंकज की गिरफ्तारी, हालांकि हजारीबाग से राजू की गिरफ्तारी हुई है, उधर पंकज की गिरफ्तारी हुई है। पंकज जिसने की ट्रंक से पेपर चुराया, राजू जिसने की आगे ये पेपर सर्कुलेट किया, यानी कि जगह जगह पहुंचाया। अब ऐसे में पंकज और राजू की गिरफ्तारी भी एक अहम कड़ी मानी जा रही है। सीबीआई ने इन दोनों की गिरफ्तारी की है और माना अब यह जा रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है संजीव मुखिया भी पकड़ा जाए। हालांकि कयास रॉकी की गिरफ्तारी के बाद से ही ये लगाए जा रहे हैं कि संजीव मुखिया बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड वही है, संजीव मुखिया, जिसने की बाकायदा लड़कों को सैलरी पर रखा हुआ था यही काम करने के लिए, यानी पेपर कैसे चुराना है, पेपर कैसे आगे बांटना है, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कैसे उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने हैं, ताकि रटे रटाए जवाब उन स्टूडेंट्स के जरिए दिए जा सकें। स्टूडेंट्स जिन तक क्वेश्चन पेपर पहुंचा था एक रात पहले, वो ये भी बता रहे हैं कि हूबहू 100% वही सवाल अगले दिन आने वाले क्वेश्चन में मिले, क्वेश्चन पेपर में मिले, और उन्हीं सवालों का जवाब हमने दिया जो हमें पहले से रटाया गया था। नीट पेपर लीक मामले में दो और गिरफ्तारी, और ये बड़ी कामयाबी सीबीआई की है, एक के बाद एक गिरफ्तारी। और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है। 18 जुलाई पर निगाहें सभी की हैं। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले को सुनेगा। सीबीआई ने फिलहाल राजू को हजारीबाग से अरेस्ट कर लिया है और पंकज को भी पकड़ा गया है। पंकज ही वही शख्स है जिसने की ट्रंक से पेपर चुराए और फिर आगे राजू ने उन पेपर्स को सर्कुलेट किया, लोगों तक पहुंचाया। बड़ी खबर इस वक्त की नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर है, जहां पर सीबीआई ने दो और गिरफ्तारियां की हैं। सीबीआई जांच को तेज कर रही है इस कोशिश में कि संजीव मुखिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। साथ ही जो पूरा सच है और पूरी प्लानिंग है वो सबूतों के साथ में सामने आ सके। पेपर लीक मामले में शुरू से ही यह कहा जा रहा है बिहार और झारखंड ऐसा लग रहा है एपी सेंटर साबित हो रहे हैं नीट यूजी पेपर लीक मामले में, क्योंकि लगातार बिहार और झारखंड से कनेक्शंस जुड़ रहे हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों से भी कनेक्शंस हैं, इसमें पश्चिम बंगाल है, इसमें गुजरात है, इसमें महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। अलग अलग राज्यों से कनेक्शन निकलकर जब सामने आए, अलग अलग जगह से गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब दो और गिरफ्तारियां पंकज और राजू के तौर पर की गई हैं। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। रितेश, कल तक ये खबर थी कि सीबीआई बहुत जल्द संजीव मुखिया तक पहुंच जाएगी, लेकिन संजीव मुखिया से पहले पंकज और राजू की गिरफ्तारी भी अहम है।
काफी अहम है और पंकज और जो दूसरा राजू है उसकी गिरफ्तारी भी सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कि जो राजू है उस पर सारे बुक्सपीकर उधर बांटे थे और जो पंकज है उस पर तो बहुत गंभीर आरोप है कि उसने चोरी तक की थी, हालांकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और जमशेदपुर से इसी के कनेक्शन बार बार इंडिया न्यूज बता रहा था कि इंडिया जो सीबीआई की टीम है वो बार बार जमशेदपुर क्यों जा रही है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी भी काफी महत्वपूर्ण है और सीबीआई जब आगे इस पूरे मामले को बढ़ाएगी तो वहां पर भी सीबीआई को काफी अहम पुख्ता सबूत इनके तौर पर मिलेंगे। दूसरी तरफ देखिए, ये लगातार सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर संजीव मुखिया क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है। संजीव मुखिया का जो राजदार है यानी रॉक, उसकी गिरफ्तारी हो गई, कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उसी जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीम लगातार वेस्ट बंगाल में कैंप किए हुए है। वेस्ट बंगाल के कई जिलों में उसकी टीम जो है वो रेड भी वो कंडक्ट कर चुकी है, उड़ीसा में टीम गई हुई है, इसके अलावा झारखंड में तो लगातार कैंप कर ही रही है, इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों खासतौर पर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर सीबीआई की कई सारी टीम्स गई हुई हैं। तो जब लोकेशन आप लगभग ट्रेस कर चुके हैं तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है कि उसकी गिरफ्तारी सीबीआई तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं कर पा रही है, क्या ये सीबीआई की जांच की ही एक रणनीति है कि जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए और कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें हैं उसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी अभी होल्ड करके रखी गई है। तो ये तमाम सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जो सोर्सेज है हमारे सीबीआई के अंदर उनका साफ तौर पे कहना है कि संजीव मुखिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं, लगभग उसका लोकेशन भी ट्रेस हो चुका है, बस अब सीबीआई की टीम कभी भी उसे गिरफ्तार कर सकती है और अगले 1 से 2 दिन काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि सीबीआई क्या गिरफ्तारी कर पाती है उनकी इन 1 से 2 दिनों में। रितेश, रॉकी की गिरफ्तारी के बाद से ही माना ही जा रहा है कि संजीव मुखिया बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आप संजीव मुखिया तक तो ऑब्वियस ही बात है सीबीआई पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो पंकज और राजू पकड़े गए हैं, पंकज जिसने की पेपर चुराया, राजू जिसने की पेपर आगे बाकी स्टूडेंट्स और लोगों तक पहुंचाया यानी कि उसे सर्कुलेट किया, ये पंकज और राजू को लेकर जानकारी कहां से मिली थी, ट्रेस कैसे किया गया इन्हें? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि पहले अमन की गिरफ्तारी हुई धनबाद से, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से बिट्टू की गिरफ्तारी होती है और ये सारे जितने भी लोग गिरफ्तार अब तक हुए हैं एक दूसरे से ये सारे का कनेक्शन है, ये सारे कोऑर्डिनेटेड है एक दूसरे से। और जब देखिए कि गिरफ्तारी होती है रॉकी की, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि उसने पंकज पर जिम्मेदारी दी थी ट्रंक से पेपर चुराने के लिए और उसके बाद राजू को जिम्मेदारी सौंपी गई थी सभी जगह क्वेश्चन पेपर या बुकलेट बांटने के लिए। तो ये सारे जो है एक दूसरे के राजदार हैं और एक दूसरे से डायरेक्ट इनका कंसर्न है और यही कारण है कि सीबीआई की जांच पर सवाल उठ रहे हैं कि एक एक बात जानता है रॉकी संजीव मुखिया के बारे में कि संजीव मुखिया कब उठता है, कब क्या खाता है, कब क्या पीता है, किससे उसकी अच्छी मिलती है, किससे उसकी दोस्ती है, किससे उसकी दुश्मनी है, कौन कौन से लोगों को वो फायदा पहुंचाता है, कौन कौन से लोग उससे फायदा पहुंचाते हैं, तो फिर आखिर सीबीआई की टीम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो हो सकता है जो जानकार जो सीबीआई के हैं या रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि कई बार सीबीआई को बहुत जानकारी रहती है लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ कानूनी अड़चन होती है जिसकी वजह से सीबीआई किसी को अरेस्ट करने में थोड़ा देर करती है और इस मामले में भी ठीक वैसा ही है क्योंकि कोरेसिव एक्शन उसने ले रखा है संजीव मुखिया ने और कानूनी व्यवधान कोई ना आए इसको लेकर भी सीबीआई फूंक कर कदम रख रही है। और हो सकता है कि ये भी महत्वपूर्ण कारण हो कि तमाम उसकी जानकारी या लोकेशन होने के बावजूद भी सीबीआई उसको अरेस्ट करने में विलंब कर रही है। आप रहिए मेरे साथ में रितेश, मेरे साथ में जावेद हुसैन दिल्ली से भी जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। सीबीआई अगर जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है, संजीव मुखिया तक बस पहुंचने ही वाली है और उससे ठीक पहले पंकज और राजू की गिरफ्तारी हो जाए जावेद, तो इसका मतलब यह है कि संजीव मुखिया तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि कुछ और भी ऐसे राजदार या ऐसे आरोपी सामने आ जाएं जिनको लेकर पहले से जानकारी नहीं थी, लेकिन एक एक आरोपी गिरफ्तार हो रहा है, उनसे जो इनपुट मिल रहा है उसके बाद मुझे लगता है ट्रेस करते हुए इन सभी आरोपियों के कॉलर तक पहुंच रही है सीबीआई। जी देखिए, सीबीआई की जो टीमें हैं वो कई टीमें बिहार और झारखंड लीक जो मामला है
पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सीबीआई की एक टीम जो है वो संजीव मुखिया के इन्वेस्टिगेशन पे यानी कि उसके जांच पे लगी हुई है, जिसमें संजीव मुखिया के हर एक एंगल से जिसके लोकेशन या टेक्निकल सर्विलांस और दूसरे टेक्निकल इंटेलिजेंस बेस पर उसकी खोज कर रही है सीबीआई। वही सीबीआई की दूसरी टीम इस पूरे पेपर लीक मामले में जो झारखंड से और बिहार से जो कनेक्शन है पेपर लीक मामले में, जिसमें कई लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, कई लोग अरेस्ट हुए हैं, कई लोग अभी भी सीबीआई के रडार पे, तो वो गिरफ्तारी हो रही है। एक टीम सीबीआई की उन लोकेशंस को सर्च कर रही है जहां पर जो स्टूडेंट्स के सेंटर्स बने थे या सॉल्वर गैंग जो थे वो वहां पर इस क्वेश्चन पेपर्स को पूरा सॉल्व किया, जैसे पटना के प्ले लर्न स्कूल, इसके अलावा कई और जगह भी आइडेंटिफाई हुआ है। तो सीबीआई की कई टीमें जो अलग अलग एंगल्स पे अपने जो उनकी टास्क है इस पूरे लीक मामले को लेकर उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। जिस तरीके से कल पंकज और राजू गिरफ्तार हुआ है उसमें सीबीआई सूत्रों का यही कहना है कि पंकज के साथ राजू ने इस पूरे पेपर लीक मामले में जो चोरी हुई थी ट्रेन के अंदर पेपर, उसमें मदद की थी। पंकज के साथ राजू पूरी तरीके से स्टोरी के स्कैम में शामिल था और सीबीआई सूत्र ने यह भी बताया है कि जो पंकज है उसका जो रोल है वो रॉकी से ऊपर था, यानी कि अगर पूरे स्कैम के चेन को अगर हम मैच करें तो रॉकी के ऊपर पंकज का रोल था और पंकज ने इस पूरे स्कैम में जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग में उसने इस पेपर को ट्रंक से चोरी किया जिस ट्रंक में क्वेश्चन पेपर आ रहे थे। जानकारी के मुताबिक 9 सेट था क्वेश्चंस का, जिसमें से 2 सेट जो है जो मिसिंग था, जो चोरी की गई थी, जिसमें से टैम्परिंग की गई थी, वो उसी में से एक ये है जिसको पंकज ने चोरी की थी। पंकज और राजू ने कैसे इसको चोरी किया ये सबसे इम्पोर्टेंट है एंगल को, यानी कि रांची झारखंड रांची हजारीबाग, इसके अलावा बिहार में पटना समस्तीपुर और जो भी नवादा जो भी डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़े हुए हैं, जो सीक्वेंस में इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आ रहा है सभी को सीबीआई एक मैच कर दी, एक पूरे इन्वेस्टिगेशन का। सीबीआई ने आरोपियों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब भी कर लिए, पूछताछ भी हो गई, घंटों की इस पूछताछ में कई इनपुट भी हाथ लग गए और उसके आधार पर अब एक एक करके जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अमन हुआ, चिंटू हुआ, पंकज हुआ, राजू हुआ, एक एक करके जो आरोपियों तक पहुंच रही है सीबीआई, रॉकी हुआ मेन इसमें जो आरोपी, अब संजीव मुखिया तक भी पहुंचने की बारी है। आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी जानकारी मिलेगी, जावेद और रितेश आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आप दोनों का शुक्रिया।